वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अशोकारिष्ट के बारे में। अशोकारिष्ट के बारे में हम सरल भाषा में सारी बात जानेंगे। अशोकारिष्ट का फार्मूला यानी कि कैसे इसको बनाया जाता है, ये लिया गया है आयुर्वेद के क्लासिकल ग्रंथ यानी आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी बुक है भेषज रत्नावली, उसमें स्त्री रोगाधिकार नाम के चैप्टर से अशोकारिष्ट का फार्मूला लिया गया है। तो दोस्तों, इतना आप समझ ही गए हैं, चूंकि ये स्त्री रोगाधिकार नाम के चैप्टर से इसका फार्मूला लिया गया है कि ये किन रोगों में इस्तेमाल होता है। स्त्रियों के जो भी रोग होते हैं, कौन कौन से, वो हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। स्त्रियों के ज्यादातर रोगों में अशोकारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। कहीं पर ये एक तरह से काम का काम करता है, यानी कि संतुष्टि ट्रैंक्विलाइजर का काम करता है, कहीं पर सुकून देने का काम करता है, तो कहीं दर्द से राहत देने का काम करता है, तो कहीं बिगड़े हुए हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। आइए उससे पहले जानते हैं अशोकारिष्ट है क्या। दोस्तों, ये बैद्यनाथ की दवाई है, लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको केवल बैद्यनाथ कंपनी बनाएगी। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता आया हूं कि आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां मार्केट में हैं, वो सब दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आती हैं। या तो वो पेटेंटेड दवाइयां हैं, यानी वो दवाइयां जिनका फॉर्मूला आज के समय में किसी कंपनी ने पेटेंट कराया हुआ है और उसको कोई और नहीं बना सकता है, जैसे हिमालय की कॉन्फिडो टेबलेट्स। वहीं दूसरी तरफ क्लासिकल मेडिसिन्स हैं, क्लासिकल दवाइयां हैं आयुर्वेद की, जिनका वर्णन आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों जैसे भेषज रत्नावली, चरक संहिता, सुषु संहिता, शारंगधर संहिता, माधव निदानम आदि में मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही ये अशोकारिष्ट भी एक क्लासिकल फॉर्मूला है और ये अलग अलग कंपनियों का मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये बोतल जो फिलहाल मैंने ली हुई है इस वीडियो में रिव्यू के लिए, ये आप देख सकते हैं कि ये 450 ml की बोतल है, यानी लगभग आधा लीटर, और इसकी कीमत 111 रुपये है। यानी हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा महंगी दवाई नहीं है, लेकिन जब हम इसके फायदों के बारे में बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके एक नहीं अनेकों फायदे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें, उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर लिखा है महिलाओं के लिए उत्तम टॉनिक। यहां भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम यहां पर नहीं लिखा गया है, महिलाओं के लिए उत्तम टॉनिक कहकर बात छोड़ दी गई है। तो ये किन बीमारियों में यूज होता है महिलाओं की, वो डिस्कस करेंगे। इंग्रेडिएंट्स पर एक नजर डालते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स पर नजर डालने से हमें पता लगता है कि अशोक तो इसमें है ही, इसका जो मुख्य घटक है वो अशोक है। अशोक एक बड़ा सा पेड़ होता है अशोक का। दोस्तों, वो जो आपने कभी कभी सजावट के लिए जो पेड़ देखे होंगे, जो कॉनिकल शेप के होते हैं, जिनको आप अशोक समझते हैं, एक्चुअली वो अशोक नहीं होता। अशोक का प्लांट अलग होता है, ये फाल्स अशोक होते हैं, इनको झूठा अशोक भी कहा जाता है। अगर आप महाभारत या रामायण आदि ग्रंथों से थोड़ा बहुत परिचित हैं तो आपको पता होगा कि जो रामायण में अशोक के पेड़ का एक जगह पर वर्णन किया गया है, अशोक वाटिका का नाम हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि उसके अंदर जो पेड़ ज्यादातर लगे हुए थे वो अशोक के पेड़ थे, इसलिए उसका नाम अशोक वाटिका। आप सोच रहे होंगे कि अशोक वाटिका का कहां पर जिक्र है, तो ये आपको खुद से सोचना है, या आप अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। आइए अब जानते हैं कि इसके अशोकारिष्ट के अन्य घटक क्या है, प्रक्षेप द्रव्य बाकी क्या है। तो दोस्तों, इसके अंदर सराका इंडिका जो कि अशोक है वो है, बाकी इसके अंदर जो प्रक्षेप द्रव्य हैं, दोस्तों प्रक्षेप द्रव्य मुख्य घटक नहीं होते हैं, बल्कि किसी और कामों के लिए यूज किए जाते हैं। धात की पुष्प तो होगा ही, क्योंकि धात की पुष्प फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें सफेद जीरा, सोंठ, सफेद चंदन, त्रिफला के तीनों घटक यानी हरड़, बेहड़ा और आंवला का इस्तेमाल किया गया है। दारू हल्दी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको ट्री टर्मरिक भी कहते हैं, नागर मोथा है, और कमल का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें वचा का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये इसके घटक हैं, मुख्य घटक इसका अशोक ही है। अब हम इस वीडियो के मुख्य टॉपिक पर आ जाते हैं, और इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है कि अशोकारिष्ट किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है। अशोकारिष्ट नारियों की, महिलाओं की, मुख्यतया जो रजोधर्म से संबंधित यानी मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। डिसमेनोरिया यानी जो जब मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उस समय बहुत सारी महिलाओं को दर्द की समस्या रहती है, उसे डिसमेनोरिया कहते हैं।
ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि जब रजोधर्म जो होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो कम मात्रा में होता है या जिस समय पर होना चाहिए उस समय पर ना होकर काफी काफी गैप बाद होता है, तो उसे ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। तो इस तरह एक एमेनोरिया की कंडीशन होती है जब रजोधर्म होता ही नहीं है, मासिक धर्म होता ही नहीं है, पीरियड्स होते ही नहीं है। तो बेसिकली ये महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा वजाइनल पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। यानी महिलाओं की जो ज्यादातर समस्या है उनमें आप इसको एक टॉनिक के तौर पर यूज कर सकते हैं। टॉनिक का मतलब रसायन से होता है और रसायन का अर्थ आयुर्वेद की भाषा में होता है कि आप इसको जनरल स्ट्रेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक महिला हैं और मेरी बात सुन रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसमेनोरिया, दर्द होना मेंस्ट्रुएशन के समय, उसमें शोकारिष्ट का बहुत अच्छा रोल है। आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज करेंगे दोस्तों? अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्रिवल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटी को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंग वर्धक यंत्र, दोस्तों लिंग वर्धक यंत्र जिसके सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए दिए गए नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। तो 12 से 24 ml इसकी क्लासिकल डोज है और 15 से 30 ml इस पर्टिकुलर कंपनी ने यानी बैद्यनाथ ने बताया गया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का शोकारिष्ट यूज कर रहे हैं तो आप उसमें यूजर इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए कि कंपनी कितना बोलती है। जैसे बैद्यनाथ 15 से 30 एमएल बोल रहा है, और अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो आप क्लासिकल डोज यानी 12 से 24 एमएल यूज कर सकते हैं। यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखने लायक है कि अगर आपका वजन 60 किलोग्राम से कम है तो आप 12 या 15 एमएल यूज करेंगे, और अगर आपका वजन 60 किलोग्राम से ज्यादा है तो आप 15 या 24 एमएल यूज करेंगे। इस तरह से आप इसको जो यूज करने का तरीका है वो आधा गिलास पानी में इसके 15 ml लेंगे और खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आपको दो टाइम इस्तेमाल करना है, दोनों टाइम खाने के बाद यूज करना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है अशोकारिष्ट का, तो बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप एक गर्भवती महिला हैं या फिर आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं यानी कि स्तनपान करा रही माँ हैं, तो आप दोनों को किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले अपनी महिला डॉक्टर से, जो आपकी गायनी ऑप्स यानी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट है, महिला डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो अशोकारिष्ट हो या किसी भी दवाई के बारे में। तो दोस्तों मेरा ये रिव्यू कैसा लगा? अगर आपको किसी भी समस्या के बारे में और उसके आयुर्वेदिक समाधान के बारे में जानना है तो हमारा कमेंट सेक्शन इस बात के लिए खुला है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि हमारे दर्शक हमारी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं और अपनी समस्या वहां पर हमें लिख भेजिए। तो ऐसी एक और वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने फिर से आऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।